सबसे बड़ी घड़ी और सबसे पुरानी घड़ी इंडिया की। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Hope करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और आज वैसे मैं जा रहा हूँ इन दो लोग में जाना क्यों है, क्योंकि मेरे को अपने आधार कार्ड की करेक्शन करानी है। और क्योंकि मैं कल पासपोर्ट बनाने गया था ना, तो वहाँ पर जाकर पता लगा कि आधार कार्ड में मेरी कुछ डिटेल गलत भरी हुई है, तो मैं उस डिटेल को सही करा लूँ पहले, फिर मेरा पासपोर्ट बनेगा। और पासपोर्ट बनाना जरूरी है क्योंकि मेरे को जॉब के लिए चाहिए था पासपोर्ट मेरे को। और रास्ते में बताऊंगा कौन कौन जा रहा है और कैसे कैसे जाना है हमें। और चाहता हूँ भाई भाई नीचे इंतजार कर रहे हैं, फिर कहेंगे कितना लेट करेगा। सो गाइस, अब हम आ गए मेट्रो वॉक पे, मेट्रो वगैरह पीछे हम चार जने हैं। यह और एक देखो वो जा रहा है, और उसके बगल में एक बहन जा रही है रेड कलर में। कह रहे पहले मेट्रो वॉक चलते हैं, उसके बाद इंदो लोग जाएंगे, क्योंकि इंदो लोग में वो आधार कार्ड वाला हमारा काम है। बट उससे पहले हमें यहाँ भी जाना था, डीकैथलॉन देखना था उसको। कह रहा डीकैथलॉन दिखा दे, और कुछ लेना होगा तो ले लेगा, नहीं लेना होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे घूम के आ जाएंगे, गेम खेल के आ जाएंगे। बट अभी चलते हैं अंदर। डीकैथलॉन के अंदर यहाँ पीछे फुटसाल खेल रहे हैं बच्चे, और पीछे टेबल टेनिस खेल रहे हैं। अभी टेबल टेनिस भी खेलेंगे, सबसे पहले कैरम बोर्ड खेल के आते हैं एक बार। एक मेरा भाई था, उसके लिए एक छोटी सी बॉल भी लेनी है, हम पिछली बार आए थे ना तो छोड़ के चले गए थे, और आज ले लेंगे। हम खेलते हैं कैरम बोर्ड। रफ नहीं है, स्मूथ बहुत है, देखना ना। एक बार में एक निकल तो जाती थी, आज निकल भी नहीं रही। कोमल की 50 निकली, इसकी 50 निकली, और गगन की 30 निकली, और मेरी 50 निकली। ज़्यादा निकाला था बट इन्होंने छेड़ दी है। चलो कोई नहीं, अब हम जा रहे हैं टेबल टेनिस खेलने, फिर एक बॉल भी लेनी सबसे पहले। पहले बॉल ले आते हैं हम, आर आर बॉल लेने चले। मैं ये वाली बॉल लेनी थी, देखो ये वाली बॉल सॉफ्ट सी है बड़ी, और वो अभी एक साल गई है तो उसी से खेलेगा। वैसे मज़ा बढ़ाएगा हमारा पिट्टी खेलने में भी। बट कोई नहीं, इसके लिए लेते हैं, मन करेगा तो दो ले लेंगे, एक हमारे ले लेंगे, और ये ले ले। तीन खाली आउट है, की पेमेंट कराते हैं। सबसे पहले बेसिकली हम इस बॉल के लिए आए थे, और इसको दिखाने की डीकैथलॉन कैसा है। सो पेमेंट करा के फिर निकलते हैं दो लोग। तो हम यहाँ से जा रहे हैं, ये व्यू था, अंदर जाने का मन था बट जा नहीं सकते क्योंकि लेट हो चुके हैं, और 2:50 का अपॉइंटमेंट है, 2 तो बज ही गए, 50 मिनट में लगभग हम पहुँच जाएंगे। बट उससे पहले पहुँचना है, वरना फिर बोलेंगे एंड टू टाइम पे आए, उसे जाना पड़ेगा पहले, वरना अंदर जरूर जाते। या कुछ लेने खाने का, भाई वॉशरूम गया हुआ इतने में। भैया ले दे देने, ब्लू दो ब्लू। अब आ गए मेट्रो रोहिणी वेस्ट पे, यहाँ से इंदौर लोग जाएंगे। सोच रहे हैं कि उसके बाद हम कहीं घूमने चले जाएं, बट अभी कंफर्म नहीं है, वहीं जाके देखेंगे। अब हम आ गए हैं आधार कार्ड चेंज करवाने, बट यार लाइन बहुत लंबी लग रही है। कोई दिक्कत नहीं, बट हमारे पास अपॉइंटमेंट है, अंदर घुस जाएंगे बिना उसके लाइन के। काम तो पूरा हो गया आधार कार्ड वाला, बट भीड़ बहुत ज़्यादा थी, समय बहुत ज़्यादा थी। इनसे पूछो कितनी भीड़ थी, हमें लगा जाते ही नंबर आ जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब थोड़ी सी भूख लग रही है, बर्गर किंग पे बर्गर खा ले, फिर चलते हैं, सोचते हैं जंतर मंतर जाए, फिर देख लेंगे। चले अंदर, हमारे बर्गर हो गए रेडी। वो देखो सो कितनी भूख लग रही है। अब हमने खा के अब हम जा रहे हैं कहीं घूमने, और ये बहन सर्च कर रही है कि कोई नियरेस्ट टूरिस्ट प्लेस है, हमारे यहाँ थोड़ा बहुत घूम लेंगे, और फिर उसके बाद रात में बंगला सामने जाना है, उसके बाद घर जाएंगे रात में। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. अब आ गया जंतर मंतर पे, ये देखो मेरा पीछे जो कहते हैं ना सबसे बड़ी दुनिया की घड़ी यही है, वो यही सबसे पुरानी घड़ी भी यही है, वो है सबसे बड़ी घड़ी और सबसे पुरानी घड़ी इंडिया की। अभी आगे का व्यू भी दिखाऊंगा कि कैसा लगता है, पहले पीछे से देख लो। ये देखो ये वो चीज़ है जो दिखती है फोटो में जंतर मंतर की, और ये घड़ी है। देखो ये है सुसाइड, इससे पता लगता है टाइम।
एक बार ना वहाँ पर एक फोटो खींचा है पीछे थंबनेल पे लगाने के लिए, क्योंकि थंबनेल पे फोटो मिल जाएगी ना। अब हमारा ये टूर हुआ खत्म। टूर तो मतलब क्या 10-15 मिनट गए थे, देखे जंतर मंतर कैसा होता है। तो बहन और भाई कह रहे हैं कि एक बार बंगला साहब पे चलते हैं। मैं अपना ट्राइपॉड ले लिया, मेरा ट्राइपॉड उन्होंने रख लिया था, ट्राइपॉड और माइक लेके जाने नहीं दिया, उनसे बोल लेता हूँ फिर चलते हैं अपन बंगला साहब। अब हम आ गए बंगला साहब में, और ये रहा बंगला साहब पीछे, यहाँ से चलेंगे अंदर, फिर देखते हैं अंदर यहाँ पर ट्राइपॉड रखेंगे नहीं रखेंगे ये भी नहीं पता, या माइक रखने देंगे नहीं देंगे, हम जाके पता लगेगा। तो क्योंकि आवाज़ की ना बड़ी दिक्कत आ रही है, कि आवाज़ से ना बैकग्राउंड में बहुत नॉइज़ आ रहा है उस चक्कर में। ये देखो यहाँ पैर धरने में बड़ा मज़ा आता भाई, मज़ा आ गया, ठंडा ठंडा लगता है एकदम, घर में मज़ा नहीं आता इतना ना, यहाँ पैर धरने में मज़ा आता है। गाइस देखो व्यूज़ देखो कितना बढ़िया आ रहा है, लगने लगा कितना मस्त। यहाँ भी पैर धो लेते हैं, पानी चाहिए नहीं यार, इतना मेरे को डर लगता है इसमें ना ऐसा करने में पैर धोने में, मेरे को लगता है मैं चला गया तो, वैसे ही तो डर लगता है मेरे को, मतलब गहराई से ना ज़्यादा डर लगता है पानी से। वो देखो कितना बड़ा पूरा वहाँ तक बना रखा है इसको एकदम, और ये है पूरा अंदर का मंदिर, मतलब जो भी होता है एक्चुअली मुझे पता नहीं है, और ये पूरा ऐसी एग्जीबिशन टाइप लगा रखा है शायद मेरे हिसाब से। अब हम बंगला साहब से बाहर आ गए और लंगर खाया नहीं, भीड़ बहुत लगी तो बहुत टाइम लग गया हमें, पूजा हो रही है अंदर, इसलिए ना लंगर खा पाएंगे ना प्रसाद ले पाएंगे, तो हम इसलिए बाहर आ गए पहले। तो अब जा रहे हैं मेट्रो। हेलो, अब हम आ गए पटेल नगर मेट्रो स्टेशन पे, यहाँ से हम जाएंगे रोहिणी वेस्ट, उसके बाद घर जाएंगे या फिर कुछ खाएंगे, यार भूख लग रही है बहुत जोर को सबको, फोन में बैटरी भी नहीं है, मैं सोच रहा हूँ ब्लॉग यहीं एंड कर दूँ, वो कर दूँ क्या ब्लॉग एंड। तो गाइस यही ब्लॉग एंड कर रहा हूँ, क्योंकि फोन में बैटरी नहीं है बिल्कुल भी, 5% है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए बाय। भूख लगी लड्डू बोल, बस में आएंगे भैया, कह दो भैया थैंक यू।